नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अडिके वर्मा। स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल AIO कंप्यूटर जोन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि डेस्कटॉप पर घड़ी वाला जो आइकॉन होता है वो कैसे ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि इस नियम को आप विंडोज 7 में फॉलो कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। अभी आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पर घड़ी का आइकॉन लगा हुआ है, ठीक है, एक गैजेट लगाया हुआ है और ये घड़ी अभी चल रहा है। तो इस प्रकार का आइकॉन हम लोग कैसे यूज़ करेंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैं इसे ऐड करके दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, माउस का राइट बटन प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ से गैजेट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको गैजेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से बहुत सा आइकॉन दिख रहा है आपको, जो भी आइकॉन को आपको वहाँ पर लगाना है, डेस्कटॉप पे लगाना है, आप उसे सिंपली माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके उसे खींचकर ड्रैग करें। जैसे मुझे क्लॉक चाहिए तो मैं यहाँ से क्लॉक को खींचकर इसे ड्रैग कर देता हूँ। ये आपका स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर सेकेंड नहीं चल रहा है, तो सेकेंड को चलाने के लिए आपको सेटिंग्स यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन सेटिंग्स, तो आपको सेटिंग्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 100 सेकेंड हैंड कर देना है यहाँ पर, और उसके बाद ये आपका सेकंड्स चलने लगेगा। अगर आपको घड़ी का स्टाइल चेंज करना है, घड़ी का मॉडल चेंज करना है, तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, उसे ओके कर दें तो ये आपका वो घड़ी वहाँ से स्टार्ट भी जाएगा और घड़ी का जो आइकॉन है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी वीडियो थी लेकिन अच्छा था, इन्फॉर्मेशन अच्छा था, क्योंकि बहुत से लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने इसे स्पेशल बनाया। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।